सुप्रभात, इंडिया न्यूज हरियाणा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए बड़ी और अहम जानकारी, कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। आज से हरियाणा में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण का ये ट्रायल जो आज शुरू किया जाएगा, ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोरोना ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत बायोटेक बना रही है कोरोना वैक्सीन। तीसरे चरण का जो ट्रायल है आज शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कोवैक्सीन का जो ट्रायल है आज तीसरे चरण का जो शुरू होना है हरियाणा में, भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन बना रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र कई जगह किया है कि भारत बायोटेक जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी हुई है और आज उस कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण होगा और उम्मीद पूरी यही की जा रही है कि ये जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो। बहरहाल अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में ये कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी यही की जा रही है चाहे पूरे देश के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री का जो भरोसा है वो भारत बायोटेक पर इस बार ज़्यादा नज़र आ रहा है। इससे पहले भी जब दूसरे चरण का ट्रायल था तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक को शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी इस वजह से क्योंकि दूसरा जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल हो गया था। अब तीसरा ट्रायल जो काफ़ी अहम माना जा रहा है भारत बायोटेक की तरफ से, जो कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है उसका तीसरा ट्रायल होना है। ट्रायल में 26,000 लोग शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की ट्रायल में शामिल होने की बात। ये देखिए अनिल विज जो सामने आए और उन्होंने ट्रायल में शामिल होने की बात की है। तीसरे चरण का जो ट्रायल है आज से शुरू होने जा रहा है, ये बड़ी जानकारी है। भारत बायोटेक बना रही है कोरोना वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अब तक रिपोर्ट सामने आई है भारत बायोटेक की तरफ से, उसमें जो दूसरा ट्रायल था वो सक्सेसफुल हो गया था। अब जो तीसरा ट्रायल होना है उसमें 26,000 लोगों के शामिल होना है। और साथ ही आपको बताएं कि आज से हरियाणा में कोवैक्सीन का जो तीसरा ट्रायल है वो शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो आज से शुरू होगा। भारत बायोटेक बना रही है कोरोना वैक्सीन। 26,000 लोग इसमें शामिल होंगे।